नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। उत्तराखंड में एक तो कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 62 दिनों से मनरेगा कर्मी भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिन्हें अब कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। देखिए ये रिपोर्ट। बीते 62 दिनों से ग्रेड पे के लिए आंदोलित मनरेगा कर्मियों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस भी आ गई है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने देहरादून में धरना स्थल पहुंचकर इस आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने सीएम तीरथ सिंह रावत से मांग की है कि इस मसले पर तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपर मुख्य सचिव ने कैबिनेट का फैसला कैसे पलटा, ये चिंता का विषय है। मनरेगा के जो हमारे साथी आज यहाँ धरने पर बैठे हैं, तो कोविड का जो प्रभाव है उसकी वजह से प्रदेश के जो कार्यकारिणी के साथी हुई यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। विगत 62 दिनों से जो है मनरेगा के जो हमारे साथी हैं, इनका धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। सरकार द्वारा कोई वार्ता करके इनके जो मांग है उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। मैंने पूर्व में मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया था कि मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से गांव के ग्रामीण को भी जो है रोज़गार मिलता है, और कोरोना की इस महामारी में जो लोग वापस उत्तराखंड आ रहे हैं उनको भी रोज़गार की बात मनरेगा के माध्यम से ही होती है। लेकिन 62 दिनों से जब कोई काम नहीं हो रहा है तो कैसे रोज़गार मिलेगा। इस रोज़गार के दृष्टिगत भी और मनरेगा के जो कर्मी हैं उनकी जो मांग है उसके दृष्टिगत भी जो है। बता दें, हड़ताल की वजह से 62 दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा का कामकाज पूरी तरह से ठप है। प्रीतम सिंह ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने राज्य कैबिनेट में मनरेगा कर्मियों का मानदेय हर साल 5% बढ़ाने का निर्णय किया था। अब SCS ने अपने स्तर से कैबिनेट का फैसला पलटकर आउटसोर्सेस पर नियुक्ति करने का आदेश कर दिया है, जो कि गलत है। कैबिनेट का निर्णय तो कैबिनेट ही बदल सकती है। इससे साफ है कि सरकार को अधिकारी मनमाने ढंग से चला रहे हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद है और कोरोना के इस भयावह समय में भी अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल भाद्राबाद में चोरी की घटना को लेकर मामला दर्ज कराया गया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी और चोरी किए गए सामान की बरामदगी की है। देखिए ये रिपोर्ट। भाद्राबाद क्षेत्र अंतर्गत पतंजलि इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित सन होम अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के मैनेजर राजवीर सिंह द्वारा थाना भाद्राबाद में 14 मई को सूचना दी गई कि रात में कुछ अज्ञात चोरों ने उनकी फैक्ट्री की दीवार तोड़कर फैक्ट्री से हायर कंपनी की 32 इंच वाली 25 LED TV चोरी कर ली है, जिसकी सूचना पर भाद्राबाद थाने में कई धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना को देखते हुए भाद्राबाद पुलिस द्वारा पता रसी, सुराग रसी और आसपास से जानकारी जुटाकर अथक प्रयास करते हुए 16 मई की रात को संदिग्ध विशाल उदित हिमांशु सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये 14 तारीख का रात को जो है भाद्राबाद में स्थित एक फैक्ट्री से जो है 25 LED चोरी होने का सूचना मिली। तत्काल रूप से हमारी टीम कार्रवाई करी, उसमें काम किया और 24 घंटे के अंदर जो है हमने 15 LED TV का हमने बरामद कर दी। इसमें 3 मुलजिम को हमने गिरफ्तार किया है, उनका नाम है विशाल, आदित्य और हिमांशु। इनसे 15 LED TV हमने बरामद किया है और 3 लोग इसमें फरार है, उनको जल्दी गिरफ्तारी करने की कार्रवाई भेजी। बता दें, पकड़े गए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। बता दें, पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने अपने और साथियों के साथ मिलकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं बाकी साथियों के बारे में पुलिस जानकारी प्राप्त कर तलाश कर रही है। घटना का अनावरण करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने में संजीव थपलियाल थानाध्यक्ष, SI लक्ष्मण जोशी, प्रवीण बेस्ट कांस्टेबल हरजिंदर, वीरेंद्र शर्मा, बारूदत्त, सुशील कुमार, सुनील कुमार की मुख्य भूमिका रही। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए भाद्राबाद से इंतजार रजा की रिपोर्ट। ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल कोतवाली पुलिस ने 16 मोटरसाइकिल सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जिला हरिद्वार के कई थाना क्षेत्र में ये चोर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। CCTV कैमरों की मदद से खुलासे से विभिन्न पुलिस की टीम को ये सफलता हाथ लगी है।
दो दिनों पहले जिला प्रशासन द्वारा बैरागी कैंप में अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई के विरोध में बैरागी संतों ने आज फिर लगातार दूसरे दिन सरकार और प्रशासन के खिलाफ अपना धरना जारी रखा। बैरागी अखाड़ों के संतों द्वारा किए जा रहे धरने को समर्थन देने हिंदू रक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर प्रबोधानंद महाराज भी पहुंचे। साथ ही धरने के दौरान बैरागी संतों के तीनों अखाड़ों निर्मोही, दिगंबर और निर्वाण अणि अखाड़े के संत भी शामिल हुए। देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुंभ मेला क्षेत्र में कुंभ 2021 के दौरान हुए अतिक्रमण पर जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर दूसरे दिन भी बैरागी संतों का धरना जारी रहा। धरने पर बैठे बैरागियों के समर्थन में अब बैरागी संतों के तीन अखाड़ों निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी अणि अखाड़े के संत भी शामिल हो गए हैं। ऐसे में हिंदू रक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर प्रबोधानंद महाराज ने इसे द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताते हुए कहा कि प्रशासन के मिलीभगत से ही ये निर्माण हुए हैं। अब सरकार की नियत में खोट है और वो कुंभ के समाप्त होने का इंतजार कर रहा था। ये जो प्रशासन ने कार्रवाई की है द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। अगर कोई मान लीजिए अवैध निर्माण था, पहले तो था नहीं, क्योंकि प्रशासन ही बनवा रहा था उसे, और जब प्रशासन ही बनवा रहा था तो अवैध का तो कोई मतलब ही नहीं उठता, और वही प्रशासन तोड़ने को आता है, इसका मतलब है उसकी नियत में खोट थी। वो इंतजार कर रहा था कि मेला कुंभ खत्म हो और हम अपनी बदमाशी करें, गुंडागर्दी करें, दादागिरी करें। वहीं निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत राजेंद्र दास ने कहा कि 12 सालों से बैरागियों के तीन अखाड़ों के ये निर्माण हैं, जिसे बीजेपी सरकार और अधिकारियों ने मिलकर धराशाही कर दिया है। इससे अच्छा तो रावण राज था, अधिकारियों ने रावण राज से भी गलत कार्य किया है। देखिए, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, क्योंकि मेले में सबको हमने इन्वाइट करा, उन लोग को हमने कुंभ मेला भी संपन्न कराया इतने डिफिकल्ट टाइम्स में, तो एक तरीके से एक जॉइंट एफर्ट था। अब ये जो अतिक्रमण वाला बात आती है, ये एक्चुअली इरीगेशन की लैंड है, जो यूपी इरीगेशन से उत्तराखंड इरीगेशन को हैंड ओवर हुई थी। इसमें ऑलरेडी नोटिसेस गए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई तक बोल रखा है ये सारे हटने हैं। अभी फ़िलहाल जो उस दिन ड्राइव थी, बिकॉज देखा गया कि इतना आक्रोश है और मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो अभी उसको रोक दिया गया। बैरागी कैंप से हटाए गए अवैध कब्जे के खिलाफ बैरागी संतों का आंदोलन जारी है। पुनर्निर्माण समेत 5 मांगों को लेकर तीनों अखाड़ों के पदाधिकारियों का ये धरना है। संतों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। साथ ही संतों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि मांगे नहीं मानने पर संत जीवन भर हरिद्वार में रहकर ही आंदोलन करेंगे। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए हरिद्वार से इंतजार रजा की रिपोर्ट। कोरोना के चलते उत्तराखंड परिवहन विभाग इन दिनों संकट के दौर से गुजर रहा है। कर्मचारियों को पिछले 4 महीनों से तनख्वाह नहीं दी गई है। कोविड से रोडवेज के 15 कर्मचारियों की मौत हो गई है, जिनके लिए सरकार से किसी भी तरह के मुआवजे की अब तक घोषणा नहीं की गई है। जबकि दूसरे अन्य राज्यों में कोविड के दौरान कर्मचारियों का 50 लाख का बीमा कराया गया है। कर्मचारी नेता कमल पपने का कहना है कि उत्तराखंड रोडवेज की बसें उत्तराखंड की सीमा तक ही जा रही हैं, जिसके चलते रोडवेज की गाड़ी के तेल का पैसा भी नहीं निकाल पा रहा है। उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा है कि जब तक कोविड के मामले कम नहीं होते, तब तक रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर चिंतित हैं। बता दें, कोरोना संक्रमण उत्तराखंड के मैदानी इलाकों की ओर पैर पसारता जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में सुविधा और संसाधनों की कमी को देखते हुए रैंकर हॉस्पिटल ने उत्तराखंड सरकार द्वारा कोविड 19 स्क्रीनिंग और जाँच केंद्र की निःशुल्क सुविधा हरिद्वार क्षेत्र के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। कोविड 19 का संक्रमण शहरों के बाद अब विभिन्न ग्रामीण इलाकों में भी दस्तक दे चुका है। ऐसे में किस प्रकार ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिया जा सके, इसके लिए रैंकर्स हॉस्पिटल अपने प्रयासों से राज्य में ब्लॉक स्तर पर सरकार द्वारा कोविड 19 स्क्रीनिंग और जांच केंद्र की निःशुल्क सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध कराने की बीड़ा उन्होंने उठाया है। सीएम का दावा है कि इस योजना से ग्रामीणों के लिए ये योजना मील का पत्थर साबित होगी। ग्रामीणों को घर बैठे ही निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, जिससे ग्रामीणों का अस्पताल की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इस योजना के लागू होने से कोविड 19 के चपेट में आने वाले ग्रामीणों को होम आइसोलेशन में रहकर बेहतर इलाज कराने का मौका भी मिलेगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।